झुंझुनू जिले में अनूठी पहल करते हुए विदेश में काम करने वाले या शिक्षा हासिल करने के लिए जाने वाले लोगों को विशेष कैंप के जरिए कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। जिले के आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद ने बताया कि झुंझुनू में वरिष्ठ नागरिकों का 94% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। लाख 39,951 को हमने टीका कर दिया है, जिसमें सेकेंड डोज है वो 1,29,538 लग अब तक लग चुके हैं और 18 से 44 जो वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हमने लगभग 1,26,667 को टीकाकृत किया है और जो 60 साल से ऊपर हैं उनका हमने टारगेट है वो 94% अचीवमेंट कर लिया है, जिसमें 4,34,882 को हमने अब तक लाभान्वित कर दिया गया है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, धार्मिक गुरुओं और विभिन्न जो एनजीओज हैं उनके माध्यम से भी हमने लगभग 40-70 जो गत दिवस रखे थे, आज भी हमने अनेक जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे रखे हैं और झुंझुनू में एक अनूठी पहल की गई थी, क्योंकि यहाँ के जो जो लोग हैं वो दूसरे देशों में, बहुत खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो लगभग हमने 6,000 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके लिए स्पेसिफिक वो हमने कैंप शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल में लगाया है और उसके माध्यम से हमने उसको वैक्सीनेट किया है। और जो भारत सरकार की ओर से जो कोविन सॉफ्टवेयर में जो अपडेशन किया गया उनके लिए 28 डेज का, उसके लिए भी हमने सुविधा उनके लिए कर दी है, हमने उस हेतु प्रतिदिन कैंप शहीद कर्नल जेपी जानू स्कूल में रखा है। मेरे डैड का बिजनेस है दुबई में, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि टीका लगवाने के लिए और जो भी गवर्नमेंट ने किया है उसके लिए।